गाइस अभी हम निकल रहे हैं मुंबई के लिए। सारी प्रिपरेशन हो गई है, बाइक लोड हो चुकी है और अच्छा मौसम था, बारिश अभी चालू है। ये आराम से नीचे जाएंगे और ये है वो होटल, होटल रेनबो हिल्स, और लोकेशन भी अच्छा है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे पूरा हिल्स का व्यू है, बहुत अच्छी जगह है। और आप वहाँ से जब जाओगे तो आप यही यही रूट से जाओगे तो आपको ये जाते टाइम ये होटल लगेगा, तो आप ज़रूर रुकिए एक बार, लंच या डिनर जो भी आपको करना है कर सकते हैं, स्टे भी कर सकते हैं, अच्छी जगह है ये। तो चलो अभी आपको मैं बाइक पे मिलता हूँ, निकलते हैं। अभी टाइम हो रहा है कुछ एग्जैक्ट मेरे को भी आइडिया नहीं है, आई थिंक कुछ 11 बज रहे हैं, तो अभी हम निकल रहे हैं, तो चलो बाइक पे मिलते हैं। गाइस एक प्रॉब्लम हो चुकी है, बाइक में हवा कम है, बहुत ही कम है, तो बाइक लोडेड है, फुल वेट है, पिलियन है। अब एक बड़ा प्रॉब्लम यही है कि मेरे को हवा भरने का बाइक में, पंचर वाला या फिर कोई दिख ही नहीं रहा, और दूर दूर तक कुछ है नहीं। तो देखते हैं, एक ने तो बोला है 2 किलोमीटर, अभी देखते हैं वो 2 किलोमीटर में तो दिखता है क्या। बस यही है कि फिंगर क्रॉस पंचर ना निकले। यहाँ पे क्या है, आज मैं मेरा टायर इन्फ्लेटर लाना ही भूल गया, जो चीज़ ज़रूरी थी वही लेके। अभी देखते हैं, चला रहा वैसे ही, जहाँ मिलेगा सब देखते अभी क्या होता है। बस अभी गाड़ी कहीं पे मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो जाए, क्योंकि इसको धक्का तो मैं नहीं मार पाऊँ, वो भी लोडेड है। गाइस हवा मिल गई है, हवा भर चुका हूँ, मैं अभी निकल रहा हूँ। नसीब तो बहुत टेंशन था। अभी थोड़ा टेंशन फ्री होकर चला सकते हैं। अभी नेक्स्ट स्टॉप पेट्रोल पंप पे होगा, क्योंकि तो अभी 3 या 2 बार दिखा रहे हैं, तेल भर के अभी सीधा हवा है। अभी फ्यूल अप करने का टाइम आ गया, अभी तक हमने चलाई है 193.5 किलोमीटर्स, और अभी भी 2 बार दिख रहे हैं। आई थिंक 230 तक तो चली ही जानी चाहिए, और फिर भी अभी अभी मेरे को बीच में बार बार रुकना नहीं है, अभी सिर्फ खाने के लिए रुकेंगे और वैसे निकलेंगे।
बाकी फ्यूल अप कर लेना सही रहेगा। और गाइस अभी आप आगे रोड देखोगे लेह लद्दाख का फील लेने के लिए, खास गवर्नमेंट ने कस्टमाइज किया हुआ है रोड को, मतलब रोड है ही नहीं। अगर आपको माल से जाना है तो आपको ये छोटा लद्दाख क्रॉस करके जाना होगा। यहाँ पे और थोड़ी देर में आपको अलग अलग जो लद्दाख के रूट्स है उसका फील देगा। आपके एलॉयज बेंड कराने के लिए काफ़ी है, बहुत अच्छी तरह के अच्छी तरह से लोडे रोड्स पे खड्डे वड्डे बनाए हुए हैं, तो आपकी आपकी बेली फिर फोक्स सब एक साथ खराब हो जाए, बहुत ध्यान से बनाया। अभी आपको पता ही होगा डोमिनार का ग्राउंड क्लियरेंस कितना ज़्यादा है, कुछ देर पहले मैं इसका कैटलेटिक कन्वर्टर आप पटक चुका हूँ। अभी देखते हैं आगे और क्या क्या पटकता हूँ, बस यही है कि एलॉय बनना हो जाए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अब तब तक रोड एंजॉय कीजिए, मैं भी एंजॉय कर ही रहा हूँ रो रो के। जहाँ से शुरू किए थे ब्लॉग को वहीं पे अभी ख़त्म।